आज हम बात करेंगे सिल्वर नाइट्रेट क्लोरहेक्सीडीन ग्लूकोनेट क्रीम के बारे में, कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसके कौन कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है, इसके यूजेस के बारे में, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए इस क्रीम को लगाते हुए, और इसके प्राइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनके लिए बिग थैंक यू। तो शुरू करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्लोरहेक्सीडीन ग्लूकोनेट क्रीम की बात करें हम, जिसका जनौषधि राहत के नाम से ये अवेलेबल होती है। इसके यदि कंपोजिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो कि 0.20% वेट बाय वेट होता है। क्लोरहेक्सीडीन जो कि एक एंटीबायोटिक होती है, वो होता है 0.20% वेट बाय वेट, और इसमें प्रजर्वेटिव होते हैं, क्रीम बेस होता है। अब बात करें इसके यूजेस की, तो इसका यूज़ किया जाता है कि जब बर्न हो जाता है, जब स्किन बर्न हो जाती है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, कि ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जब बर्न हो जाता है तो जो जलन होती है उससे भी उसमें भी बहुत बेनिफिशियल होता है, जलन को कम करता है। अब बात करें कि कितना अप्लाई करना चाहिए, तो इसको अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना चाहिए, जस्ट इसको रब नहीं करना चाहिए, मतलब इसको घिसना नहीं चाहिए, मालिश वगैरह नहीं करना चाहिए, जस्ट अप्लाई करके छोड़ देना है। इसको 3 से 4 बार आप अप्लाई कर सकते हैं एक दिन में, और 3 से 4 बार अप्लाई कर सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अब बात करें कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो यदि आपको किसी भी टाइप की एलर्जी के रिएक्शंस है, आपको एलर्जी है, तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगाने के बाद कोई भी रेडनेस या इरिटेशन टाइप की होती है, तो इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करें कि इसको कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो इसको मैन्युफैक्चर किया है PMBI, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर करवाया है। और इसके प्राइस की बात करें हम, तो इसका प्राइस होता है 25 रुपीज़, और ये जनऔषधि केंद्र पर इजीली अवेलेबल होती है। और इसको हमेशा अपने घर में रखना चाहिए इमरजेंसी बॉक्स में, क्योंकि यदि कोई जल जाता है तो उस कंडीशन को, जैसे किचन वगैरह में काम करती है, अमूमन जल ही जाते हैं, तो जो जलन होती है या जो जलन के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अपने इमरजेंसी बॉक्स में इस मेडिसिन को रखना चाहिए, और ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है और सस्ती भी होती है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।